भर के लोग लेके जाते हैं पीने के लिए। देख सकते हैं इधर जो घर वगैरह जो लोग रहते हैं ना, यहाँ पे इन लोग का पानी जो पीने का। तो कैसे दोस्तों, एक और न्यू ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों मैं हूँ फिलहाल अभी मुंबई के नाला सफारा में। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि नाला सफारा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, पहले से बहुत चेंज हो गया, तो नाला सफारा की अलग अलग वीडियो बना के दिखाओ। तो आज की जो ब्लॉग होने वाली है दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नाला सफारा की अलग से वीडियो, अलग से गाँव। और नाला सफारा बहुत बड़ा है दोस्तों, और इसको एक्सप्लोर करते करते काफ़ी समय लग सकता है। तो आज की जो ब्लॉग होने वाली मैं आपको दिखाने वाला हूँ नाला सफारा की एक अलग शहरी है, जहाँ पे लोग देखेंगे दोस्तों कितना यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका है। देखो दोस्तों, ये है दीपावली की तैयारी। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी दिया वगैरह बनाया हुआ है। देख सकते हैं ये दोस्तों, ये एक पूरा पहाड़ है ना, पहाड़ को काट के ही ये रोड बनाया गया। इससे आगे जाओगे तो वो एरिया अलग पर आ जाएगी, लेकिन ये एक एरिया टूलिज रोड है। और यहाँ सामने एक कब्रिस्तान है, ये दोस्तों नाला सफारा की कब्रिस्तान है। यहाँ पे लिखा है तुलिज मुस्लिम कब्रिस्तान, ये है तुलिज रोड है ना दोस्तों, तो ये मुस्लिम कब्रिस्तान है दोस्तों। यहाँ पे ये एक मुस्लिम कब्रिस्तान है, और इधर बगल में शायद क्रिश्चियन का कब्रिस्तान लग रहा है। मतलब एक ही जगह दो समाज के अलग अलग यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, मैं पहाड़ के नज़दीक आ गया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पहाड़ है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिला दोस्तों, यहाँ पे मुस्लिम कब्रिस्तान भी है और क्रिश्चियन का भी कब्रिस्तान है, दोनों मतलब सट के है। वहाँ पे ऐसा नहीं कि दीवार दिया, दीवार के ये तरफ क्रिश्चियन का है, मुस्लिम का कब्रिस्तान है, लेकिन नहीं, वहाँ पर ऐसा ही कुछ मतलब निशान दिया है, और उसके अगल बगल में मुस्लिम और क्रिश्चियन का कब्रिस्तान देखने को मिला। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये है ना क्रिश्चियन का कब्रिस्तान है, और इससे जस्ट बगल में मुस्लिम का कब्रिस्तान है। तो देख सकते हैं इसके ऊपर कुछ दीवार वगैरह नहीं है, लेकिन अगल बगल में दोनों कब्रिस्तान है, और ये पूरा पहाड़ है दोस्तों, इसके ऊपर पूरा कब्रिस्तान है दोस्तों। और मैं ये साइड से आपको दिखा रहा हूँ, अभी चलेंगे आगे और आगे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पीछे पूरा पहाड़ी का पूरा जो भी है ना, वो पूरा गांव वगैरह दिखाएंगे। और ये इधर भी एक पहाड़ी है, और कहते हैं यहाँ पे पहाड़ी में भी एक पूरा गांव बसा है। तो पता नहीं दोस्तों क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, चलेंगे नज़दीक तभी पता चलेगा, क्योंकि पहाड़ी में तो कैसे लोग बस सकते हैं, वो भी मुंबई में। अगर गाँव खेड़ा रहता है, झारखंड यूपी बिहार रहता, तो इंसान पूरा विश्वास कर लेता, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं पहाड़ी वगैरह में। लेकिन ये मुंबई में अगर पहाड़ी में रहते हैं तो कैसे यहाँ पे पहाड़ी में लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, वो पूरा आपको देखने को मिलेगा आज की व्लॉग में आपको। दोस्तों मैं ऐसे जगह पहुँचा हूँ, देख सकते जो पीने का पानी है ना, देख सकते दोस्तों कैसे आते हैं, और यहाँ से पानी पीने के लिए बाल्टी में भर भर के लोग लेके जाते हैं पीने के लिए। देख सकते इधर जो घर वगैरह जो लोग रहते हैं ना, यहाँ पर इन लोग का पानी जो पीने का पानी देख लो कैसे आता दोस्तों, और कैसे लोग यहाँ पे पानी को पीते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ से पानी पीने के लिए लेके भर के जाते हैं लोग, यहाँ पे जो रहते हैं ना लोग दोस्तों। ये है यहाँ की ज़िंदगी दोस्तों। वहाँ खड़ा हो ना दोस्तों, देख सकते हैं जो पानी पीने का है ना गरीब लोगों के लिए। देखो दोस्तों यहाँ पर कोई नल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से लोग पानी पीने के लिए लेके जाते हैं दोस्तों। ये है मुंबई की नाला सफारा, जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर पहाड़ी में लोग रहते हैं, तो ये हकीकत बात है दोस्तों, यहाँ पे पहाड़ी में बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको जो दिखाया ना दोस्तों, जहाँ पे पानी लेके जाते हुए, तो वो बहुत ही कठिन था दोस्तों, जहाँ पे पीने का पानी पूरा कचरा भरा था, पूरा भर चुका था, वहाँ पे गंदगी फैली थी, मच्छर वगैरह फैला था, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जो रहते हैं ना, उसके लिए पानी का कितना तकलीफ होता है, जो लोग दोस्तों यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं और पीते हैं। ये जो पहाड़ी में जो लोग रहते हैं ना, उन लोग के लिए ये पानी आता था, और उन लोग बाल्टी में भर भर के लेके जाते थे और पीते थे दोस्तों। मैं वहाँ आपको दिखाया, तो वहाँ पे एक आंटी थी, आंटी से मैंने बात किया, तो वो बोले इसका वीडियो मत बनाओ, क्योंकि ये बंद हो जाएगा तो ये भी पानी पीने का हम लोग पर नहीं आएगा। तो मैं बोला मैं ऐसा बात तो नहीं बोलूँगा वीडियो में जिससे ये पानी आपकी बंद होगी, लेकिन हाँ ये दिखाऊँगा कि लोग नाला सफारा में कितनी मुश्किल से ज़िंदगी जीते हैं, ज़िंदगी जीने के लिए कौन सा पानी पीने के लिए यहाँ लोगों के लिए कौन सा पानी पीने के लिए लेना पड़ता है दोस्तों, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाया। तो ये था तुलिज रोड जो मैंने आपको दिखाया, ये पहाड़ी पूरा ख़त्म हो गया।